Hello friends, welcome to this new episode and today we are going to talk about क्या बात करने वाले हैं, लक्ष्य के बारे में बात करने वाले हैं यार। मतलब मेरा लक्ष्य क्या है, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। मतलब जीवन का लक्ष्य नहीं, जीवन में कई सारे पड़ाव होते हैं तो उनके लक्ष्य होते हैं, कुछ वाइटी के द्वारा निश्चित किए जाते हैं, कुछ दूसरों के द्वारा लाने जाते हैं, कुछ आपके अपने खुद लक्ष्य होते हैं। तो आज का टॉपिक ही यही है कि अपना लक्ष्य खोजिए। अपने लक्ष्य को आप कैसे खोजेंगे, तो उसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे कि आखिर आप अपने लक्ष्य को कैसे बनाएं, कैसे खोजें, मतलब किस तरह से। कई सारे तरीके होते हैं, कई सारी चीज़ें हैं, तो उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है कि आप जीवन में जब लाइक वेन यू कम ऑन दिस अर्थ, तो आपको नहीं पता होता कि आपको क्या करना है, और किसी को नहीं पता होता। दरअसल किसी को मतलब ऐसे ऊपर से पर्ची मिलके तो नहीं मिलती ना कि ये आपका लक्ष्य है, दिस इज योर गोल, यू आर नॉट लाइक ए शार्प शूटर टाइप से कि आपको एक लाइक शार्प शूटर को टारगेट मिलता है या किसी को भी टारगेट। आपको ऐसे कोई टारगेट तो नहीं मिलता ना लाइफ में, लाइफ का कोई एक टारगेट ऐसा नहीं होता ना। और लाइफ के बारे में बात यह है कि समय के साथ हमारे जो लक्ष्य होते हैं वो बदलते भी रहते हैं, लाइक गोल्स आर चेंजिंग। तो जीवन में हम जो कुछ भी अभी सोच करके जो डिसीजन लेते हैं तो वो आगे आकर के वो आगे चेंज हो जाते हैं डिसीजंस, और प्रायोरिटीज चेंज होती रहती हैं जीवन के हर एक पड़ाव में। और क्योंकि हम खुद भी चेंज हो रहे होते हैं, अभी हमारे पास जितनी इन्फॉर्मेशन है, जितना अनुभव है, जो कुछ भी हम जानते हैं, तो आगे फिर हम उससे थोड़ा ज़्यादा जानेंगे, समय के साथ हम सीखते रहते हैं। तो उस कारण ही हमारे लक्ष्य, हमारी प्रायोरिटीज, ये सब चीज़ें चेंज होती रहती हैं। तो इनमें घबराना नहीं चाहिए, ये सब चीज़ें चेंज होती रहती हैं। बात यह है कि लक्ष्य को खोजे कैसे। मतलब कुछ तो बेसिक चीज़ें होती हैं कि जैसे जो आपको लाइफ में करनी पड़ती है, या लाइक 99% ऑफ द टाइम करनी पड़ती है, 1% ऑफ द टाइम की मैं बात नहीं कर रहा। जैसे कि आपको लाइक एडुकेशन में मैक्सिमम लोग एडुकेशन जैसे जा रहे हैं, हालांकि अब आगे चल के एडुकेशन चेंज होने वाला है, ऑनलाइन एडुकेशन हो रहा है और डिग्रीज की उतनी वैल्यू नहीं रह गई है। पर नॉर्मली क्या होता है कि एडुकेशन करना, फिर उसके बाद लाइक स्कूल कॉलेज, फिर एक अच्छी सी नौकरी, फिर शादी, और फिर उसके बाद एक घर लेना, और यही सब चीज़ें होती हैं, घर और फिर गाड़ी हो गया, या फिर उसके बाद फॉरेन वेकेशन हो गया, ये सब चीज़ें। मतलब लाइक रिटायरमेंट फंड्स और ये सब लाइक नॉर्मल चीज़ें हैं, फाइनेंशियल गोल्स एंड दीज ऑल थिंग। मतलब ये प्री डिसाइडेड चीज़ें होती हैं जो कि है लाइफ में, कोई इसको पहले अचीव कर सकता है, कोई थोड़ा बाद में अचीव कर सकता है, डिपेंड ऑन पर्सन टू पर्सन, और सबके अपने लेवल्स होते हैं कि आप कितने लेवल तक अचीव करते हो, डिपेंड्स ऑन योर कैपेबिलिटी कि आप कितना करना चाहते हो और कितना आप करते हो। तो ये तो बेसिक गोल्स हो गए जो कि हैं ही, जो कि होते हैं। अब इनके लिए तरीके होते हैं कि आप किस तरह से, किस तरीके से, मतलब कई सारे तरीके होते हैं ना। आप किसी नौकरी करके कर सकते हो, बिजनेस करके कर सकते हो, आप दो नंबर का काम करके कर सकते हो, आप उठाईगिरी करके, कुछ भी करके आप कर सकते हो ना। गोल्स फुलफिल होने चाहिए, बात ये हो जाती है। पर उसी में ये है कि मतलब कुछ जो अच्छे तरीके हैं उन्हें ही चुना जाए, और जो आत्मसंतुष्टि भी दें और जो समाज के लिए भी फायदेमंद हो, क्योंकि हम इस सोसाइटी में रहते हैं और लाइक वी लिव इन द कंट्री। एक वाक्य याद आता है कि देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। तो आप कुछ ऐसा काम करें कि आप कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हो सोसाइटी में, ना कि आप केवल आराम की रोटी तोड़ रहे हो। तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। इसीलिए कई सारे लोग होते हैं कि जो फाइनेंशियल फ्रीडम के बाद भी काम करते रहते हैं, क्यों, क्योंकि उन्हें काम करना पसंद होता है। They like to contribute in the society and they want to make a difference. तो society में difference के लिए बात यह है कि आप खुद ही काम करो। महात्मा गांधी ने भी कहा था कि be the change you want to see in the world. तो बात वही है, आप दुनिया में जो भी बदलाव देखना चाहते हैं तो आप अपने खुद से शुरुआत करिए। तो इस प्रकार से आप शुरू कर सकते हैं। और फिर गोल्स की जहाँ तक बात करें, आपने लाइक एडुकेशन आपने कैसे, मैक्सिमम क्या होता है कि हम जैसे एडुकेशन जो भी लेते हैं तो अपने आस पास या जो कुछ भी ट्रेंडिंग चल रहा होता है तो हिसाब से हम ले लेते हैं। मैक्सिमम लोगों की मैं बात कर रहा हूँ, कुछ की बात नहीं कर रहा हूँ। मतलब अब मैक्सिमम में ऐसा ही होता है कि जो ट्रेंडिंग चल रहा होता है उस हिसाब से हम चीज़ें ले लेते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं और उसी हिसाब से चीज़ें चलती जाती हैं। लाइक जो अभी का ट्रेंड, अभी का नहीं, अभी तो ट्रेंड बहुत चेंज हो चुका है। अभी का ट्रेंड जैसे है कि सब लोग कंप्यूटर साइंस ले रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस की तो लाइक एडवर्टाइजमेंट्स की तो बिल्कुल बाढ़ ही आ गई है। और कई सारे
मतलब सब लोग सिखा रहे हैं, डेटा साइंस सिखा रहे हैं सभी लोग, और सीखने वाले पता नहीं है भी या नहीं है, पर सिखाने वाले कुछ ज़्यादा ही है। और इसी प्रकार से ऑनलाइन कोर्सेज और इन सब चीज़ों का लाइक बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है चलन। और कोरोना के बाद से जैसे हेल्थ का भी चलन बढ़ा हुआ है कि हेल्थ सेक्टर में एडुकेशन लाइक एडुटेक सेक्टर में इन सब चीज़ों में बदलाव आ रहे हैं। तो ये सब चीज़ें अभी चल रही हैं। और कुछ साल पहले क्या था, जब 2008 की अगर बात करें तब सत्यम मोड़ डाला था, तो तब कंप्यूटर साइंस और आईटी ये सब चीज़ें बहुत डाउन डाउन में चल रही थी। तो उस समय लोग इवरग्रीन ब्रांचेस, जो कोर ब्रांचेस होते हैं, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, ये ले रहे थे। तो इस प्रकार से आपका फ्यूचर डिसाइड हो रहा। और मतलब और स्कूल की बात करें तो स्कूल में भी आप पढ़ने में ज़्यादा अच्छे हो, तो आप मैथ्स लोगे, या फिर अगर आपको डॉक्टर बनना है, पर फाइनेंशियली भी देखा जाता है, क्योंकि आपको आपको डॉक्टर बनने के लिए डॉक्टर वैसे भी इंडिया में कम ही है, तो इट इज़ ए नोबल प्रोफेशन। और फिर वहाँ अगर आप प्राइवेट कॉलेजेस में जाते हो तो उनकी फीस बहुत ज़्यादा है, और सरकारी कॉलेजेस बहुत ही कम है। तो है डिमांड, तो उसी हिसाब से लोग लेते हैं, लाइक मैथ लेते हैं, बायो लेते हैं, फिर जो थोड़ा कमज़ोर होते हैं तो फिर वो मैथ बायो कॉमर्स लेते हैं। वो उस समय की मैं बात कर रहा हूँ, लाइक 2008-2009 की बात, तो उस समय ऐसे था। और अभी हालांकि अब चीज़ें चेंज हो रही हैं, इंटरनेट का युग और जियो और इन सब चीज़ों के आने से लोगों को बहुत सारे बदलाव आ रहे हैं, तो लोग अपना खुद का करियर भी चालू कर रहे हैं। अब तो बहुत सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं, और सोशल मीडिया की तरफ भी बहुत ज़्यादा रुझान बढ़ा हुआ है लोगों का। सोशल मीडिया मार्केटिंग, कंटेंट राइटिंग, कंटेंट मेकिंग, एंड देयर्स लॉट ऑफ थिंग्स इन होल दिस कंटेंट वर्ल्ड, द होल मैनेजमेंट थिंग। तो इस प्रकार की चीज़ें समय के साथ, समय के अकॉर्डिंग बदलती रहती हैं। पर बात ये है कि आपको क्या पसंद है, आप क्या करना चाहते हैं। तो इसमें कई सारी चीज़ें हो जाती हैं कि लाइक हमें खुद ही नहीं पता होता कि हमें क्या पसंद है। हमें लगता है कि ये भी सही है, ये भी सही है, क्योंकि कई सारी चीज़ें ल्यूक्रेटिव होती हैं। और बात ये है कि किसी भी फील्ड में आप जाओगे, आगे जाके अगर आप उस फील्ड में अच्छे हो तो आप पैसा कमाओगे। और तो ये सब चीज़ें हैं। तो इस तरह से एक डिसीजन डिलीमा आप कह सकते हैं, एनालिसिस पैरालिसिस हो सकता है, और होता ही है। मैं अपना खुद का भी केस ले लूँ तो यस, दिस हैपेंस। तो आपको क्या करना है कि आप जैसे हर एक चीज़ की जानकारी लेते हैं, तो जानकारी आप लेते रहें और नई नई चीज़ें सीखते रहें। आपको एक ओवरऑल हर एक चीज़ का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, पर आपको एक या दो फील्ड में आपको मास्टर होना चाहिए, किसी एक ना एक फील्ड में आपको मास्टर होना चाहिए। मास्टर होने के लिए आपको लाइक 10,000 आवर्स का एक रूल होता है, जिसमें ये रहता है कि लाइक आपको किसी चीज़ में मास्टर होने के लिए 10,000 आवर्स देने पड़ते हैं। तो अप्रोक्सीमेटली अगर आप 10 साल तक 3-3 घंटे किसी काम के लिए दोगे तो आप मास्टर हो जाओगे, या 3 साल तक 10-10 घंटे दोगे, तो इट समवॉट लाइक दिस। तो उसी हिसाब से आप किसी भी एक चीज़ में आपको मास्टर हो रहा है। और जैसे कि आप जीवन को एक इंटेंसिटी से आप लाइफ को अनुभव कर सकें, और फिर करने के लिए बहुत कुछ है, मनी की बात है, फेम की बात है, तो ये सब चीज़ें फिर आती ही हैं जब आप कोई एक चीज़ करते हो, एक ही चीज़ में अपना फोकस लगा के करते हो, तो वो चीज़ें आती हैं। पहली चीज़ तो आप ये मतलब अपने आप में डिस्कवर करिए कि आप क्या चीज़ें करने में अच्छे हो, और मतलब किन चीज़ों को करने में आपको मज़ा आता है, क्या चीज़ें करने में अच्छे हो, क्योंकि आपके पास जैसे आप ट्राई कर सकते हैं चीज़ों को, क्योंकि यही समय होता है जो यूथफुल समय होता है। तुरंत आपको सेटलमेंट की तरफ नहीं सोचना चाहिए कि सेटलमेंट होने के बाद देखेंगे, तो ऐसा नहीं है। शुरू से ही आपको मतलब शुरू में ही ये चीज़ें ध्यान देनी चाहिए, और आपको एक खोज करनी चाहिए। कई सारी इंटर्नशिप होती हैं, तो आप अलग अलग तरह की इंटर्नशिप करके देखिए आपको कैसा लगता है। आजकल बहुत सारी ऑनलाइन जानकारियाँ मिल जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। और एक बुक भी है, डिज़ाइनिंग योर लाइफ, तो वो भी मैं रिकमेंड करूँगा। तो वो बहुत अच्छी बुक है, जो आपको डिसाइड करने में, आपकी लाइफ डिसाइड करने में, आपकी डिसीजन के लिए आपको हेल्प करेगी। तो इससे आप अपना लक्ष्य निर्धारित कर सकते हैं, और लक्ष्य निर्धारित करके फिर उस पर काम करना चालू करिए और कंट्रीब्यूट करिए सोसाइटी पे। क्योंकि सबसे बड़ा रिग्रेट जो होता है ना, रिग्रेट यही होता है कि हम जो चाहते थे वो हम कर नहीं पाए, तो वैसा रिग्रेट नहीं होना चाहिए आपको। इसीलिए जो भी है, जो भी आप चाहते हैं, उसमें आप अपना वक्त दीजिए, और फिर देखिए कि मतलब वो चाहते थे तो वो केवल दिमाग में जो हवाई पुलाव या लाइक हवाई महल या ख्याली पुलाव टाइप की चीज़ें थी, वैसी हैं कि जो ग्राउंड रियलिटी में भी वैसी चीज़ें हैं जैसा आपने एक्सपेक्ट किया था, जो काम करना आप चाहते हैं वो काम रियलिटी में आप करना चाहते हैं या नहीं, वो तभी पता चलेगा जब आप उतरोगे। लाइक कीचड़ साफ करने के लिए कीचड़ में उतरना पड़ता है,
ये एग्जाम्पल फिट नहीं बैठता, पर हाँ आपको मतलब कुछ चीजें होती हैं कि जो आपको करने से ही पता चलता है, मतलब तैरने के लिए आपको पानी में जाना ही पड़ेगा कितनी भी किताबें पढ़ लो। तो वैसा ही है कि आपको जो भी फील्ड पसंद हो उस फील्ड में आप जाएं, आप काम करें, महीने दो महीने आप काम करेंगे तो आपको पता चलेगा उस फील्ड के बारे में। तो उसी प्रकार से आप अपने आप को डिस्कवर करोगे, लाइक आपके पास अगर चार फील्ड्स हैं, चार फील्ड आपको पसंद आ रहे हैं तो आप एक फील्ड से चल शुरू करिए और फिर उसमें एक दो महीने लगाइए, तो उस तरह में आप फिगर आउट कर लेंगे। और इनमें एक बड़ी बात यह है कि आपको मनी के पीछे नहीं भागना है, क्योंकि यार पैसे की जहाँ तक बात करें तो पैसा जरूरी है, यस मनी इज द फ्यूल ऑफ द लाइफ, कि जिंदगी को चलाने के लिए मनी, जिंदगी रूपी गाड़ी में मनी एक फ्यूल की तरह है जिससे कि गाड़ी आगे मूव होगी आपकी। तो पैसा किसी भी तरह से कमाया जा सकता है, बहुत सारे तरीके हैं, तो केवल पैसे के पीछे आप भागोगे तो फिर वही एक आत्मसंतुष्टि आपको नहीं रहेगी, तो वैसा नहीं होना चाहिए। जिस काम में आपको मजा आता है, देयर आर लॉट ऑफ ट्रेंडिंग थिंग्स, अभी जो कुछ भी ट्रेंडिंग चल रहा है कल कुछ और ट्रेंडिंग चलेगा, वेब 3.0, मेटावर्स ट्रेंडिंग चलेगा, डाओस डी एप्स ट्रेंडिंग चलेंगे, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, रोबोटिक्स, फिर नैनोटेक, और फिर ऐसे चीज़ें आती रहेंगी, बायोटेक, और बहुत सारी चीज़ें ऐसे धीरे धीरे बदलती रहती हैं चीज़ें, समय के साथ चीज़ें बदलती रहती हैं। तो बात यह है कि उनकी बात नहीं है, बात यह है कि आप किन चीज़ों में मास्टर होते हो और फिर उन चीज़ों में आप काम करो। तो यही बात है, आप दूसरों के दिखावे में ना पड़े और सोशल मीडिया के दिखावे में तो बिल्कुल भी ना पड़े, कि सोशल मीडिया में कई सारे लोग हैं, कई सारी चीज़ें बोलते हैं, जैसे लॉट ऑफ थिंग्स, ये भी सोशल मीडिया में ही है। तो आपको डिस्कवर करना है आपके कौन से जो फील्ड्स हैं, तो आप किसी भी एक फील्ड में आप चलोगे तो उस फील्ड में फिर आप लिंक बना करके आपको मतलब उस फील्ड में ही आप टेक्नोलॉजी का भी इम्प्लीमेंटेशन कर लोगे, उस फील्ड में आप कई सारी चीज़ें कर लोगे, दैट लॉट ऑफ थिंग्स, लाइक जैसे कि NBA प्लेयर्स हो गए, तो अब NBA प्लेयर्स उनकी NFTs भी आ रही हैं, तो हर एक चीज़ फिर वो इंटरलिंक्ड हो जाती है। तो आपकी आप पेंटर हो या डिज़ाइनर हो या कुछ भी हो, तो किसी भी एक फील्ड में आप चलोगे, एक फील्ड में मास्टर होगे तो आपकी हमेशा वैल्यू होगी। तो दिस इज द थिंग, आई होप कि आपको कुछ इंसाइट्स मिली होगी कि अपने लक्ष्य को कैसे डिसाइड करें या अपने लक्ष्यों को कैसे डिसाइड करें और किस प्रकार से आगे बढ़ें, कि कर्तव्य विमूढ न रहें, कार्य करने के लिए आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, इसीलिए राइटिंग में मतलब लिखित में आप प्लान बनाए खाका तैयार करें कि मेरे को ये फील्ड एक्सप्लोर करने हैं, एक्सप्लोर करें, जो फील्ड अच्छे लगते हैं, जो फील्ड सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है उस फील्ड में आप अपना एक पोर्टफोलियो बनाएं और उसी फील्ड में फिर आप अपना पोर्टफोलियो ग्रो करते रहें। तो मुझे इतने धैर्य के साथ सुनने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।